कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए? सर मेरी जर्नी 2017 से शुरू होती थी। प्रॉब्लम्स क्या फेस की जब आप तैयारी कर रहे थे? मोटिवेट किसी ने नहीं किया या मुझे सजेस्ट नहीं किया कि ये कर ले ये कर ले। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले थे नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। इन मोटिवेशन लाइन से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें तो हम ऐसा नहीं है कि एक सफलता प्राप्त करते हैं केवल लाइफ में, हम कई सारी सफलताओं को प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। लेकिन हाँ, आपको निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में सफलताएं आएंगी। तो आज हम लोग मिलने वाले हैं सारांश गुप्ता जी से, जो कि सवाई माधोपुर के राजस्थान से बिलोंग करते हैं और ये इस वक्त JTO CAG डिपार्टमेंट में SSC में सेलेक्ट हुए हैं। और बाकी अभी ये खुद ऑलरेडी एक राजस्थान गवर्नमेंट में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर कार्यरत हैं। तो सारी चीजें हम लोग जानेंगे किससे, सारांश गुप्ता जी से। जी सारांश जी, वेलकम है आपका 24/7 में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताइए कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहाँ से। गुड मॉर्निंग सर, पहले मेरा नाम सारांश गुप्ता है सर, और मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से हूँ। बेसिकली यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो टाइगर के लिए वर्ल्ड फेमस है। जी, ठीक है सर। मेरे पापा शॉपकीपर है और मेरे से बड़ा एक भाई है और मम्मी है, और ज़्यादा बड़ा फैमिली नहीं है मेरा, तो मैं ऐसे है। और मेरा स्कूलिंग सर वहीं पे लोकल स्कूल से हुआ है, और मैंने फिर आगे जाके जयपुर चला गया था मैं 12th के बाद, और वहीं पे मैंने मेरा कॉलेज वगैरह किया है। मैंने पढ़ाई में MCOM किया हुआ है और मैं अभी MA इंग्लिश से फाइनल दूंगा इस साल। मतलब अभी आप MA इंग्लिश कर रहे हैं? हाँ हाँ सर, पढ़ाई जारी है, मतलब जारी अभी। हाँ सर, और तो अभी आप राजस्थान गवर्नमेंट में किस पोस्ट पर हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को सर। मैं राजस्थान गवर्नमेंट में बेसिकली जो क्लेरिकल पोस्ट होती है, जिसको हम राजस्थान में अब जूनियर असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है, जो मेरा डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है। और मेरी जॉइनिंग उदयपुर के सर एक छोटे से गांव में, जिसका नाम आमली गांव है। वहां पे क्या, जैसे अपन सुनते हैं TV वगैरह में, अखबारों में ट्राइब, जैसे भील वगैरह जनजाति रहती है, बेसिकली मतलब पिछड़ा हुआ बैकवर्ड गांव है, वहां पे मैं भी स्कूल जनजाति हूं। हां हां, जो अपन सुनते हैं, जो मैंने देखा है वहां पे। हां सर, चलो अच्छी बात है जी सर। तो आपने कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए? बच्चों को मैं आपको मैं बताऊं, सारांश गुप्ता जी ने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं। तो कईयों में तो इनका मन नहीं हुआ कि हम ज्वाइन नहीं करते हैं, और कई बार होता है ना कि घर से इतना लगाव होता है हमारा कि हम कोशिश हमेशा ये करते हैं कि हमें ऐसी जॉब मिले जो हमारे घर के आसपास हो, कम से कम मम्मी पापा के साथ तो रह सके। तो आपने कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए, और फिर अभी जो आपने JTO की पोस्ट क्वालिफाई करी है, उसके बारे में भी बच्चों को थोड़ा सा बताइएगा। सर मेरी जर्नी 2017 से शुरू होती, जब मैं मेरा ग्रेजुएशन फिनिश करता हूँ, तो उस समय राजस्थान हाई कोर्ट में एक LDC की पोस्ट निकलती है, लोअर डिवीजन क्लर्क की। तो सर उस टाइम मैं क्या फ्रेशर था, कॉलेज करके निकला था, तो किसी ने मुझे गाइड भी नहीं किया और कुछ भी। तो सबसे पहले मैंने उस एग्जाम को किया, और उस एग्जाम में सर मैंने 190 स्कोर किए 200 में से, तो मेरी रैंक काफ़ी अच्छी थी। तो फिर लेकिन सर उसमें मैं फाइनल सेलेक्ट हो जाता, जब स्किल टेस्ट के लिए गया तो क्या मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो टाइपिंग देते समय मेरे हाथ सीवर कर गए थे, तो मैं हड़बड़ा गया था, तो मेरा वो एग्जाम फाइनल मेरिट से रह गया। मतलब टाइपिंग वहाँ नहीं हुई। जी सर। उसके बाद सर फिर KVC जूनियर असिस्टेंट, NVS में भी जूनियर असिस्टेंट, फिर उसके बाद ICMR जूनियर अकाउंटेंट में मेरा हुआ, लेकिन मैं उसका स्किल टेस्ट देने नहीं गया, क्योंकि वो दिल्ली की जॉब थी और मैं दिल्ली जॉब करना नहीं चाहता था, क्योंकि आप जैसा आपने बोला कि मम्मी पापा से दूर, मैं होमसिक टाइप का इंसान हूँ। तो मुझे उसके बाद फिर सर राजस्थान सब इंस्पेक्टर में मैंने 2 बार फिजिकल भी देखा है, मतलब रिटर्न एग्जाम में कैसे न कैसे निकाल लेता हूँ, मतलब रिटर्न एग्जाम मेरा निकल जाता रिटर्न है, मतलब उसके जो सेकंड स्टेज होता है। हाँ, मतलब इंटरव्यू तक। फिर उसके अलावा सर आपको पता हो तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी पोस्ट आई थी। हाँ सर, तो उसका सर मैंने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया, मेंस दिया, उसके बाद सर इंटरव्यू में देखा, लेकिन वो फाइनल में पता नहीं कैसे रह गया, कुछ पता नहीं, मार्क्स नहीं हुआ या फाइनल में रह गया। उसके अलावा सर फिर उसके बाद सर मेरा दिल्ली हाई कोर्ट में जो जुडिशियल असिस्टेंट का पोस्ट निकलता है सर, उसमें मेरा कोविड के दौरान हुआ था, तो उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था, और मेरे जॉब अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया था। अच्छा। तो लेकिन फिर उस समय में क्या, राजस्थान वो गवर्नमेंट में LDC वो जूनियर असिस्टेंट वाले पद पर कार्यरत था। अच्छा। तो मेरे मन में एक दिमाग था कि मैं इस पोस्ट पर अभी हूँ, फिर यहाँ से यदि मैं दिल्ली हाईकोर्ट की जॉब ज्वाइन करता हूँ, तो एक बात की दिल्ली का एनवायरनमेंट मुझे क्या थोड़ा सा सूट नहीं करता, कि
और कोर्ट की जॉब रहेगी वो थोड़ी सी पजल्ड भरी रहेगी, तो मैंने की फिर मैं आगे तैयारी पीसीएस की तैयारी कैसे कर पाऊंगा। तो फिर मैंने उसको रिजाइन उसको जो भी सर ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट वाला। ओके। फिर सर शुरू से मेरा लगाव इंग्लिश सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, मैंने कहा इंग्लिश बच्चों को खूब पढ़ाई है। और इसके अलावा सर मैं जो अभी वर्तमान में जूनियर असिस्टेंट हूँ आमली में, वहाँ पे सर क्या इंग्लिश की पोस्ट खाली है टीचर की। बेसिकली मेरा काम टीचिंग का नहीं है, नॉन टीचिंग का काम है, लेकिन वहाँ की जो मैंने 3 साल 10th और 12th बोर्ड को इंग्लिश पढ़ाई है, तो मेरा रुझान इंग्लिश में और मेरा बच्चों ने मुझे पॉजिटिव किया। फिर मुझे किसी ने बोला कि एक SSC में JTO की पोस्ट रहती है, फिर मैंने बोला क्या होता है इसमें, तो उन्होंने बोला कि इसमें PG चाहिए किसी सब्जेक्ट से सर। इसके वो शख्स कौन है जैसे होता है ना कि आपको कोई मोटिवेट करता है कि आप ये वाला काम करो तो अच्छा हो जाएगा, मोटिवेट के बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, मोटिवेट सर क्या, मेरे पापा मेरे से हमेशा बोलते थे कि तूने इतने एग्जाम क्वालिफाई कर ले तो तू ये भी कर लेगा, मतलब कि कर सकता है तो कुछ भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर पापा को पता था कि मेरी इंग्लिश ठीक है शुरू से, तो फिर उन्होंने पूछा कि इंग्लिश में पता कर कि और कौन सी, तो मुझे पता चला कि ट्रांसलेशन ऑफिसर नाम की एक पोस्ट होती है सर, जो SSC हर साल कंडक्ट करवाती है। हाँ, तो सर इसमें क्या, मैंने PG तो MCOM कर रखा था, फिर उसमें उसके अलावा एक फर्दर रिक्वायरमेंट ये होती है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन चाहिए होता है, वो एक साल का डिप्लोमा होता है, तो इग्नू करवाता है। तो उसको सर मैंने फिर एक साल कैसे न कैसे करके टाइम निकाल के, स्कूल में टाइम नहीं मिलता था लेकिन मैंने कैसे मैनेज करके वो डिप्लोमा किया। फिर मैं SSC जो JST के 2022 के लिए इलिजिबल हुआ और सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इसको क्वालिफाई कर लिया सर। चलो, मतलब फाइनली जो है मोटिवेशन मिला और इन्होंने अपना मेहनत करा, जॉब करते करते एक जॉब करते करते दूसरी जॉब के लिए तैयारी करना। मैं वही कहते हैं ना, मैंने शुरुआत में बोला कि अगर आप निरंतर प्रयास करते रहिए तो ऐसा नहीं है कि आपका जो है कोई एग्जाम आगे और क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो आप बड़ा सोचोगे तो आपकी लाइफ में बड़ा होगा। तो ऐसे अगर हम लोग बात करें तो आपने प्रॉब्लम्स क्या फेस की जब आप तैयारी कर रहे थे उस सिचुएशन में? सर प्रॉब्लम तो सबसे पहले ये थी सर, हमारे वहाँ पे गांव में या मैं बोलूँ जिस एनवायरमेंट में भरा, मुझे मोटिवेट किसी ने नहीं किया या मुझे सजेस्ट नहीं किया कि ये कर ले। तो मतलब ग्रेजुएशन भी मैं BCOM किया हुआ है मैंने, तो कोई बोलता था कि BCOM कर ले, BCOM करने से प्राइवेट जॉब में तेरे को 40-50 हज़ार कोई भी दे देगा। तो मैंने उसको सोच के BCOM किया, लेकिन फिर जैसे जैसे पता चला कि एनवायरमेंट कितना टफ है, 40-50 हज़ार ये सब फालतू की बात है, फिर मैंने सोचा भी था सेकेंड ईयर में कि मैं इस जॉब उसको छोड़ दूँ BCOM को, मैं तो इंग्लिश में मेरा तो इंटरेस्ट है, तो फिर कैसे ने फिर ऐसे ही यूट्यूब पे जैसे Adda247 पे भी मैंने देखा JST बच्चे सेलेक्ट हो रहे, कोचिंग चल रही, फिर मैंने उसका नोटिफिकेशन देखा, फिर मैंने इसको मैंने कि कर सकता हूँ, मैंने की इंग्लिश है इसका डिस्क्रिप्टिव भी होता है, तो मैंने की मैं कर लूंगा मैं, तो फिर मैंने इसको डिसाइड किया सर। चलिए ठीक है, तो और आपकी लाइफ में मतलब पापा जैसे आपने बताया कि मोटिवेशन के पार्ट रहे हमेशा उन्होंने आपको मोटिवेट किया। पापा के साथ सर भाई भी क्या, भाई ने मेरे बड़ा भाई है शुभम गुप्ता, तो उन्होंने क्या सर जिम्मेदारी जल्दी संभाली, उनके कॉलेज के बाद ही वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लग गए, तो मतलब अब तो पापा से हमको जरूरत नहीं पड़ी पैसों की, तो भैया ही हमारी जो रिक्वायरमेंट रहता था फुलफिल कर देता था सर पैसों की, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी इसलिए। चलिए अच्छा, तो आप ये जो JTO की पोस्ट है इसकी क्या प्रोफाइल है, मतलब JTO की जो पोस्ट होती है उसमें आपको किस तरीके का काम करना पड़ेगा, बच्चों को थोड़ा बताइए ताकि बच्चे भी इंटरेस्ट लें और JTO की पोस्ट, जैसे कहते हैं ना सब लोग नहीं जानते इसके बारे में, तो हम क्योंकि CGL, CHSL, MTS, GD इसके बारे में जो हाईलाइटेड पोस्ट है उसका सबको जानता है जी सर। लेकिन ये हिडन पोस्ट जो JTO की आती है ये पोस्ट के बारे में कम बच्चा जानता है, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए बच्चों को। JST बेसिकली सर ये SSC हर साल कंडक्ट करवाता है, कोविड के दौरान एक साल इसमें गैप आ गया था, लेकिन इसमें पोस्ट भी सर ऐसे 300 के आसपास पोस्ट रहती, इसमें मतलब लॉट्स ऑफ पोस्ट नहीं आती, तो इसमें रहता है सर जिसकी यदि इंग्लिश में पता है कि हम इंग्लिश कर लेंगे, और इंग्लिश हिंदी दो सब्जेक्ट आती है बेसिकली इसमें, इसके अलावा बाइलिंगुअल होता है, और इसका बेसिकली काम होता है सर जो इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट में जैसे इनकम टैक्स हुआ, राजभाषा विभाग हुआ, तो इसमें सर ये ट्रांसलेशन का काम होता है, और इसके अलावा जो हर महीने कार्यशाला आयोजित करनी पड़ती है कि हिंदी को अपन मतलब भारत सरकार बढ़ावा देना चाहती है। हाँ, बढ़ावा देने के लिए, इसीलिए ज्यादातर विभागों में आपने देखा होगा भारत सरकार के जो ऑर्डर्स आते हैं या जो प्रेस रिलीज होती है, आप अमूमन देखा करो कि ज्यादातर वो पहले हिंदी में प्रेस रिलीज और सारी चीजें आती है, और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे सरकार में जितने भी हमारे नेता लोग भी बैठे हुए हैं ज्यादातर वो हिंदी लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से भी ऐसा जी है सर, जी। और बाकी हमें अपनी राष्ट्रभाषा को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, इस वजह से भी हम जो है हिंदी का प्रयोग ज्यादा करते हैं, और यहाँ पर दोनों ऑप्शंस हैं। मैं आपको क्लियर करूँ, देखिए अगर आप
ने मास्टर्स इन इंग्लिश कर रखा है तो भी आपके लिए ऑप्शन है कि आप जेडीयू की पोस्ट पे जा सकते हैं, और अगर आपने मास्टर्स इन हिंदी कर रखा है तो भी आपके लिए ऑप्शन यहाँ पर बन जाता है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँ सारांश जी, तो अब आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से तैयारी इसकी करना शुरू करें जिससे उनका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, क्योंकि 2023 में जब ये पोस्ट आए इनके पास तो वो सेलेक्ट हो जाएं बच्चे, ऐसा क्या एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों को? सर सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि ये 2013 में इसकी लॉट्स ऑफ वैकेंसी आने वाली, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि इसकी अप्रोक्स मतलब 600 के आसपास वैकेंसी रिलीज होने वाली है वैकेंसी। तो इसके साथ लेकिन सर इसमें प्रोवाइडेड दैट कि इसमें PGDT डिप्लोमा कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है। यदि आप उसको परस्यू कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए इलिजिबल हो सकते हैं, मतलब अगर आप अपीयर्ड भी हैं तो इसके लिए। तो इसमें सर अभी ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, और मैं तो बोल रहा हूँ कि जो अड्डा 247 पे या किसी भी चैनल पे या खुद आप सेल्फ करना चाहते हैं तो मैं उसमें आप ज्यादा से ज्यादा MCQ लगाइए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व पे सॉल्व कीजिए, डेली का 2-3 पेपर तो इजीली निकल जाएगा, और हिंदी में भी आपकी कमांड होनी चाहिए। हाँ वही मैंने कहा ना, इसीलिए कि मैंने कहा दोनों लैंग्वेज पे आपकी जी सर कमांड रखना आपके लिए जरूरी होगा। तो आपने देखो इन्होंने आपको बताया कि आप लोग अभी से पहले आपके पास वो डिप्लोमा होना चाहिए, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो, और वो डिप्लोमा इग्नू कंडक्ट इग्नू करवाता है सर, और बॉडी भी नहीं सर। इसके अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे मेर्सी, वाल्मीकि टंडन टाइप की, ऐसे वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी वो करवाती है जी। एक साल का होता है सर, एक साल का डिप्लोमा आपके पास होना मैंडेटरी है। मैंडेटरी तो इस तरीके से अगर आप एक साल का डिप्लोमा रखते हैं अपने पास और तो आप JTU की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, और डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज मिलेंगे आपको यहाँ पर, क्योंकि जब आप मिनिस्ट्रीज में काम करोगे जैसे सारांश जी का टैग डिपार्टमेंट में हुआ है, तो अब ये जब ज्वाइन करेंगे, अभी इनकी ज्वाइनिंग आना बाकी है, जैसे इनकी ज्वाइनिंग आती है फिर ये अपनी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट से रिजाइन करके और आप ये ज्वाइन करेंगे SSC CGL 2022 के JTU की पोस्ट पे। तो मेरी तरफ से सारांश जी और अडट परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लाइफ में और आगे बढ़े, और अपने मम्मी पापा के सपने को तो आपने पूरा कर ही दिया जी सर, बट अपनी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें भी जल्दी से पूरा करें और अच्छे से अपनी लाइफ में सेटल हो सके जी सर। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। तो इस इंटरव्यू को आज हम यहीं पर रखेंगे, इस तरीके से हम सारांश जी से मिले, हमने उनकी लाइफ जर्नी सुनी, और मुझे अच्छा लगा कि इतने सारे एग्जाम्स निकालने के बाद भी अभी भी इनके अंदर एक झील है कि ये PCS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि ये PCS के एग्जाम में सेलेक्ट हों। और सबसे बड़ी बात होती है ना कि अपने सपने को साकार करने की आपके अंदर आग होना, अगर आपके अंदर आग है तो आप अपने सपने को देर से ही सही बट प्राप्त जरूर करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।